Good afternoon friends, welcome to the YouTube channel Automanic the Mechanical Club. Today our topic is types of casting. Casting क्या होता है आपको पता ही है, जैसे कि casting में mould या cavity के अंदर molten metal को pour करते हैं और वहाँ से pattern की replica को produce करते हैं, that's called casting. आज हम इसके types के बारे में discuss करेंगे one by one. So let's start. First of all, investment casting. Investment casting में क्या होता है, ये हमारे पास एक wax का pattern है. वैक्स का ही क्यों लेते हैं ये अभी आपको पता चल जाएगा. ये वैक्स के हम बड़े सारे पैटर्न्स को प्रोड्यूस करते हैं, नंबर ऑफ पैटर्न्स प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम एक रनर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं. ओके, अब हम क्या करते हैं, इन पैटर्न्स को ज्वाइन कर देते हैं. ऑल दिस पैटर्न्स आर ज्वाइन टुगेदर एज यू कैन सी इन द डायग्राम एज लाइक डैट. उसके बाद क्या करते हैं, हम इसको एक सेरामिक स्लरी में डिप करते हैं. सेरामिक स्लरी में उसका क्या रोल है वो भी आपको भी पता चल जाएगा. सेरेमिक स्लरी में डिप करने के बाद उसके ऊपर इसकी लेयर चढ़ जाएगी, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, एज लाइक डैट. ओके, अब ये सारा वैक्स का है अंदर. अब हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे एट हाई टेम्परेचर्स. जैसे हम इसको हीट करेंगे, वैक्स जो है आपकी मेल्ट कर जाएगी. ठीक है, वैक्स मेल्ट कर जाएगी और यहाँ से ये सारा होलो स्पेस हो जाएगा. ठीक है, अंदर से. उसके बाद क्या करेंगे, हम इसके अंदर मोल्टन मेटल पोर करेंगे और हम अपनी कास्टिंग को प्रोड्यूस कर लेंगे. लेकिन अब सेरेमिक स्लरी का क्या, वो भी सॉलिडिफाई हो चुका है, तो सेरेमिक स्लरी को हम क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे और हमारे पास ये कास्टिंग प्रोड्यूस हो चुकी है. ठीक है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग जो है आपका ऑर्नामेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए, ऑर्नामेंट्स जो भी ज्वेलरी वगैरह इन सब में यूज़ करते हैं. ठीक है, CO2 सिलिकेट कास्टिंग नेक्स्ट कास्टिंग का टाइप है. इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं नाम भी लिखा हुआ है सिलिकेट, मतलब सिलिकेट से रिलेटेड कुछ यूज़ होगा, या CO2 तो CO2 गैस कुछ यूज़ होगी. ठीक है, तो ये हमारे पास है चैम्बर. ठीक है, पैटर्न हमने डाल दिया इसके अंदर नीचे और ये सैंड ऊपर है. अब हम इस पैटर्न को रिमूव करेंगे, मोल्टन मेटल डालेंगे और अपनी कास्टिंग प्रोड्यूस कर लेंगे. इतना आसान है नहीं. ये जो सैंड है, अगर हम पैटर्न को रिमूव करेंगे, द सैंड विल फॉल ऑफ एंड पैटर्न विल नॉट एज आवर डिज़ायर. ठीक है, तो इस सैंड को अगर हम स्ट्रेंथ कर दें या इसको इसकी बाइंडिंग एबिलिटी को हम बढ़ा दें तो हम कास्टिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये सैंड हमने डाली हुई है इसमें. ठीक है, हम ऊपर से CO2 गैस सप्लाई करेंगे. CO2 गैस इसके कॉन्टैक्ट में आ गई, सैंड के अंदर सोडियम सिलिकेट मिला रखा है हमने और फ्री फ्रॉम क्ले है ये सैंड, 0% क्ले. ठीक है, तो अब ये ऊपर से CO2 गैस आएगी. CO2 गैस सोडियम सिलिकेट के साथ रिएक्ट करेगी, सैंड के अंदर जो सोडियम सिलिकेट है वो रिएक्ट करके क्या करेगी देख लेते हैं. Na2SiO3 इज द फॉर्मूला फॉर सोडियम सिलिकेट प्लस CO2 गैस रिएक्ट करेगी इसके साथ. क्या क्या फॉर्मेशन होगी, प्रोडक्ट्स हमारे क्या क्या होंगे, Na2CO3 प्लस SiO2.H2O. ये तो हो गया हमारा सोडियम कार्बोनेट और ये जो हमारा SiO2.H2O है डेट्स सिलिका जेल. सिलिका जेल जो होता है हमारे हार्ड सब्सटेंस फॉर्म करता है, तो ये हमारे सैंड को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा. ओके, सैंड स्ट्रेंथ होगी, हम पैटर्न को रिमूव कर सकते हैं, मोल्टन मेटल डालेंगे, कास्टिंग प्रोड्यूस हो जाएगी, डैट सिंपल. नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्रेशर डाई कास्टिंग. प्रेशर डाई कास्टिंग दो तरीके से होती है, एक हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग, एक कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग. हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग में फर्नेस प्रोवाइड होता है इन द सिस्टम. कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग में फर्नेस प्रोवाइड नहीं होगा इन द सिस्टम. हम कहीं अलग से मोल्टन मेटल लेके आएंगे, इसके अंदर पोर करेंगे एंड वी ऑब्टेन आवर कास्टिंग. ओके, हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग में क्या होगा, दैट्स द मूवेबल डाई, दैट्स फिक्स्ड डाई. ये हमारा नेक्स्ट सप्लाई है यहाँ से. लेडल में हम क्या करेंगे, सॉलिड मेटल पोर कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि फर्नेस हमें यहाँ पर मिला हुआ है. सॉलिड मेटल यहाँ से आएगा, ये फर्नेस में मेल्ट होगा, हम प्लंजर के थ्रू उसको पुश करेंगे और यहाँ से वो मेटल मेल्ट होते हुए फर्नेस यहाँ पे है, इसको मेल्ट कर देगा सॉलिड मेटल की पीसीस को. और उसके बाद आपका जो मोल्टन मेटल है यहाँ से होता हुआ माउल्ड के अंदर जाएगा, कैविटी के अंदर, एंड द कास्टिंग विल ऑब्टेन. ओके, बट इतना सिंपल नहीं है. ये जो मोल्टन मेटल यहाँ से जाएगा रास्ते से, ये रास्ते में सॉलिडिफाई हो सकता है, क्योंकि इतना लंबा पाथवे होगा तो सॉलिडिफाई होने के चांसेस. अगर वो सॉलिडिफाई हो रहा है तो क्या होगा, वो पाथ को ब्लॉक कर सकता है. ठीक है, डैट विल क्रिएट प्रॉब्लम. तो यहाँ पे हम इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, ये जो गूज नेक है इसके ऊपर इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं. ओके, ताकि वो सॉलिडिफाई ना हो.
कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग सिंपल, हम यहाँ पे मोल्टन मेटल कहीं और से लेके आते हैं, इसमें पोर करेंगे, कास्टिंग ऑप्टेन करेंगे, सिंपल। इसकी एफिशिएंसी कम होगी और चैम्बर डाई कास्टिंग की, कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से कहीं से भी ज़्यादा मेटल उसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे कहीं से भी ज़्यादा सप्लाई में क्वांटिटी में ला सकते हैं और यहाँ पे पोर कर सकते हैं। यहाँ पे लिमिटेड रहेगा हमारे पास स्पेस, सब कुछ, फर्नेस भी उसके अंदर है, तो इसकी एफिशिएंसी कम होगी। ओके, कैन नॉट बी यूज फॉर मास प्रोडक्शन, इट कैन बी। ओके, तो ये हमारा हो गया प्रेशर डाई कास्टिंग और उसके दो टाइप्स क्लासिफिकेशन। लेट्स डिस्कस शेल मोल्डिंग। ओके, शेल मोल्डिंग में क्या है, बॉक्स है हमारे पास, ये पैटर्न है जिसको हमने हीट कर रखा है 150 से 200 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, और ये जो है बॉक्स 1/3 फिल्ड पोर्शन है विद थर्मोसेटिंग रेजिन। थर्मोसेटिंग रेजिन इज यूज फॉर प्रोड्यूस कास्टिंग। ओके, इसको क्या करेंगे, इसके बाद ये सेकेंड स्टेप है, हम इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा किया तो ये जो सैंड है जिसके अंदर थर्मोसेटिंग रेजिन है, ये इसके ऊपर आगे गिरेगी, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये हीटेड है पहले से ही, तो थर्मोसेटिंग रेजिन को ऐसे चिपका लेगा। ओके, ऐसे चिपका लेगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको लेके आएंगे, बाहर निकालेंगे और उसको हीट करेंगे, तो हमारे पास ये शेल निकल जाएगा। हीटेड इन एन ओवन टू एक्सट्रैक्ट शेल। इस शेल को हमने निकाल लिया अलग से, ऐसे ऐसे हम दो पीसेस बनाएंगे, उनको अटैच करेंगे ऐसे। उसके बाद इसके अंदर मोल्टन मेटल पोर करो, कास्टिंग प्रोड्यूस करो, दैट सिंपल। तो ये था हमारा शेल मोल्डिंग। ये बहुत ही इकोनॉमिकल रहता है कॉम्प्लेक्स शेप प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, क्योंकि देख सकते हैं आप, ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में देखते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में क्या होगा, मोल्टन मेटल विल एंटर थ्रू हेयर। ओके, आएगा यहाँ से और ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है ये रोटेट करेगा। और मोल्टन मेटल जब भी आप देख सकते हो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब वो उसको पेरीफेरी पे आउटवर्ड पुश करेगा, मोल्टन मेटल को, मोल्टन मेटल आउटवर्ड पुश करेगा, इसकी सारी पेरीफेरी पे, सिलेंड्रिकल पेरीफेरी पे डिपॉजिट हो जाएगा और जब तक सॉलिडिफाई नहीं हो जाता, इट विल रोटेट एंड रोटेट एंड रोटेट। ओके, उसके बाद ये सॉलिडिफाई हो जाएगा और हमें होलो शेप मिल जाएगी। होलो शेप सिलेंड्रिकल पार्ट्स प्रोड्यूस करने में यूज़ करते हैं हम इसे, एरोप्लेन कंपोनेंट्स, सिलेंड्रिकल कंपोनेंट्स, इन सब में। ओके, तो ये तो था हमारे टाइप्स ऑफ कास्टिंग। एक टर्म और डिस्कस करनी है मुझे, सॉलिडिफिकेशन के टाइप्स। सॉलिडिफिकेशन दो तरीके से होती है, एक प्रोग्रेसिव और एक डायरेक्शनल। ओके, तो ये जैसे कि मान लो कोई शेप है कास्टिंग की, ठीक है ना, तो अब प्रोग्रेसिव सॉलिडिफिकेशन में क्या होगा कि जो सॉलिडिफिकेशन होगी मूव्स टुवार्ड्स मिडल, मतलब जो वॉल के पास वाला मोल्टन मेटल है वो पहले सॉलिडिफाई होगा बिकॉज इट इन कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग्स। तो ये धीरे धीरे यहाँ से सॉलिडिफाई होना स्टार्ट होगा, मूव टुवार्ड्स मिडल, मिडल का सबसे लास्ट में सॉलिडिफाई होगा। तो ये सबके साथ ऐसे होगा, यहाँ पे भी ऐसे होगा, यहाँ पे भी ऐसे, सब जगह। तो ये तो था प्रोग्रेसिव। डायरेक्शनल में क्या होगा कि जो हमने सब मोल्टन मेटल सपोज यहाँ से पोर करना स्टार्ट किया, यहाँ पे सबसे एंड पोर्शन है, ये वाला सबसे पहले सॉलिडिफाई होगा डायरेक्शनल। तो सबसे एंड वाला सबसे पहले सॉलिडिफाई होगा, ये सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे यहाँ से ऐसे बढ़ेगा ऊपर की तरफ, तो ये इसकी डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन होगी। तो डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन में एंड पॉइंट से स्टार्ट होगा और इस तरफ आगे मूव करेगा, ठीक है। तो ये था टाइप्स ऑफ सॉलिडिफिकेशन और हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ कास्टिंग। होप आपको वीडियो पसंद आएगी, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।